वर्कर में एक सेकंड रुक जाइए, आप कैमरा नहीं छीन सकते, आप कैमरा नहीं छीन सकते, आप नीचे करिए ना इसको। आपने मेरी वीडियो बनाई, मैंने आपको परमिशन दी। आपका वर्कर मेरे से कैसे है? आपका वर्कर किस वर्कर कौन सा वर्कर है? क्या बात की, जे चेंज करना पड़े घर से तो अच्छी बिली लाए थे ना हम लोग। ये यू टर्न करते ही आगा अगला टायर जाम हुआ, बाइक गई रपट, सामने से ट्रक आ रहा था, उस टाइम पे अगर एक्सीडेंट हो जाता। हाँ वीडियो बनाने से बात ही चलेगी यार। है इधर 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 देखो, घर से सही सलामत बाइक लाए थे और यहाँ पे क्या हाल हो गया। तो गाइस आज सर्विस क्या कराने आ गए, इन लोगों ने इसकी माँ बहन कर दी। इन लोगों ने ही देखो, ये जो भी है न्यू GSTVS वाले, ये रहे। What's up guys, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल ऋषभ व्लॉग्स। तो कैसी अपनी यार नेशन, आई होप आप सब जस्ट मस्त और तंदुरुस्त हो गए। तो भाई लोग आपका हार्दिक स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और ये देखो आज अपने राइडर की सेकंड सर्विस होने को है, क्योंकि फर्स्ट में तो आपको दिखा नहीं पाया था, लेकिन सेकंड का एक्सपीरियंस करा दें। देखो 4139 किलोमीटर्स चल चुकी है अपनी बाइक, और अभी बीच में इसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें ये देखो ये मतलब ये ब्रेक लीवर ये ख़राब हो गया, ये हैंडल बार थोड़ा सा टेढ़ा है इसका, और ये थोड़ा लेग गार्ड में क्या कहते हैं ये हो गया था, और ये थोड़ा डिस्प्लेट में दिक्कत है, और यहाँ जैसे गड्ढे में जाती है ये तो ये हैंडल में से आवाज़ आती है यहाँ से, और ये थोड़ा साइलेंसर का है, ये देखो। तो अभी चल रहे हैं इसका, देखते हैं एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहता है। और ये पिछली सर्विस में जो पहली सर्विस थी तो आपको दिख रहा होगा ये टायर भी टेढ़ा कसा हुआ है, देखो है। तो चलो चलते हैं, मैं और मामा जा रहे हैं, पापा की बाइक ये खड़ी हुई है और पापा अंदर है, ये देखो वो नाना बैठे हुए हैं, नानी बैठी हुई, बाय बाय। तो चलो गाइस चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है इसका TVS पे। पहला एक्सपीरियंस तो मैं नहीं गया था, पापा गए थे, तो दूसरी बार मैं जा रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो चलो चल के मिलते हैं सीधा डायरेक्ट शोरूम पे। बाइक में छपड़ वाला पे भी एक TVS के नाम से है ये, लेकिन ये बंद पड़ा हुआ है। अभी चल रहे हैं, देखते हैं विजय नगर चलते हैं, देखते हैं विजय नगर मिलता है, उसका नंबर ले रहा हूँ मैं, विजय नगर में जाकर सर्विस करता हूँ। फाइनली गाइस TVS के सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं, और अभी ओपन कराया, अभी मैं आया था तब ओपन नहीं था, और ये खड़ी अपनी बाइक, और हमें भैया मिल चुके हैं, और मतलब इन्हें मैंने बता दिया कि इसका एक्सीडेंट हुआ था मैंने साथ, तो बता रहे हैं कि इसका अलाइनमेंट वगैरह करना पड़ेगा, और ये जो हैंडल रॉड है ये भी चेंज हो सकती है इसकी। तो आगे जो भी अपडेट होती है आपको देते हैं, ठीक है। गाइस अपनी राइडर का जॉब कार्ड खुलवा दिया है, भैया ने खोल दिया जॉब कार्ड, तो अभी देखते हैं इसकी सारी दिक्कतें वगैरह बता दी हैं, डिस्प्ले की भी, ये हैंडल रॉड हो गया, ये अपना ये लीवर हो गया है, ये सलेंसर वगैरह का सारा कुछ बता दिया है। तो अभी देखते हैं कितने का क्या कॉस्टिंग वगैरह आती है, और चाबी भैया ने ले ली है क्योंकि जॉब कार्ड खोल दिया है, तो इसलिए यहाँ पे खड़ा हुआ था। और ये देखो मुझे ब्लोम पब्लिक स्कूल, ये दो अपने स्कूल के ब्रांच दिखी है, यहाँ पब्लिक है और अपना जो वो इंटरनेशनल है। तो फाइनली गाइस अपनी बाइक की सर्विस हो चुकी है, मेरी बिल्कुल चमक हो गया। सर्विस तो करा ली, सर्विस से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। अभी देखो मैं आपको बताऊं, ये आगे मैंने इनसे बोला था ये हैंडल लॉट चेंज कर देना, ये हैंडल बार भी इनने चेंज नहीं करा बिल्कुल भी, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, और बाइक के अंदर कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि सर्विस कराई, और आगे वाला टायर इतना टाइट है। मामा घुमाना जरा इसे, ये देखो इतना ज़्यादा टाइट हो रखा है टायर, और अभी क्या कहते हैं वो टेस्ट ड्राइव लेने के लिए आ रहे हैं भैया, देखते हैं इसका क्या करवाते हैं यार।
वॉश करके दे दिए बाइक की, जाओ ले जाओ उसे। ये देखो पीछे वाले टायर का भी अलाइनमेंट बिल्कुल बेकार है। ये देखो एक तरफ को टायर भाग रहा है। किसी बिल चेक कर लो, पता नहीं क्या क्या चीज़ डाल दिए। किट, लीवर, बीआर सेल, इंजन फ्यूज, 50 ml इंजन ऑयल, 40 सिंथेटिक बैटरी टर्मिनल, ये सिंथेटिक लुब्रिकेंट, और इसके ये देख लो विथ GST कितना बिल आ गया ये। फिर टोटल इसका एस्टिमेट बना 1752 रुपये का, और उसमें भी सेटिस्फाई नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं क्या काम करते हैं लोग, देख लो ज़रा आगे। ये बिल्कुल इसमें प्ले ही नहीं है इसके अंदर। ये देखो, ये लो मामा पकड़ना तेरा बिल। ये देखो इसे दबा रहा हूँ, कोई प्ले ही नहीं है इसके अंदर। ये देखो, ये देखो, और इसकी देखना, ये भी ट्राइडर खड़ी हुई है। ये देखो इसकी कितनी आसानी दब रही है। करवाओ करवाओ चेक करवाओ। आज का पूरा दिन बर्बाद हो गया इसी में। दोबारा से अंदर जा रही है, देखो इसमें क्या हो। देख सकते हो सेकंड सर्विस है, और इसमें ये लेबर पता नहीं किस चीज़ की लगा रखी है, इनसे पूछा भी इग्नोर कर रहे हैं। देखो सब टोटल ये पार्ट्स का हो गया अपना, ये 1216 रुपये। ये इनने क्या कहते करा था सुबह, जब क्या कहते एस्टिमेट बनाया था इनने, ये 1400, और ये यहाँ पे पता नहीं ये 1752 रुपये किस चीज़ के बनाए हैं। अभी इनकी क्लास नहीं है। देखो सेकेंड सर्विस है, फ्री दी गई, और ड्यू भी दिख रखा है। ये देखो हम लोग सर्विस करा के तो घर से इससे शोरूम से निकल गए थे, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो गई है। ये अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक लगा रही है, देखो 10 की स्पीड पे है, और पहले गियर में कुछ नहीं करूँगा। ये देखना कितनी जल्दी ब्रेक लग गए इसमें। ये यार ये दिक्कत पहले तो थी नहीं, अब ये सर्विस कराई है तभी उसी के बाद हुई है ये दिक्कत। अभी चल रहे हैं दोबारा, देखते हैं चल के क्या करता है वो इसका। ये देखना अभी 15 की रफ्तार है, और ये देखो घर से सही सलामत बाइक लाए थे, और यहाँ के क्या हाल हो गया। देखना मामा लो पकड़ना जरा, वीडियो बनाओ वीडियो। अब बिल्कुल एजेंसी के बाहर ही हैं हम लोग। ये देखो टाइम क्या है यार, तो गाइस आज सर्विस क्या कराने आ गए। इन लोगों ने इसकी माँ बहन कर दी, इन लोगों ने। ये देखो ये जो भी है न्यू GSTVS वाले, ये रहे। बाहर चलो बाहर आओ, अभी ना बुला के ले जा रहा हूँ मैं, दिखाता हूँ क्या हुआ बाइक के। आओ आओ यार चलो, एक बार को प्ले का तो मैं मान लूंगा। उस बाइक की डिस बिल्कुल जाम हो गई, आगे ही नहीं बढ़ रही वो। मैं वहां से वापस लेके आया, अब इसे आगे करके दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा एक बार को। ये लो चाबी, ये लगी इसकी, ये लो। अभी वहां से यू टर्न कर रहा था हम लोगों की, जे चेंज करना पड़े। घर से तो अच्छी बिली लाए थे ना हम लोग। ये मैंने आपकी उस टाइम तो बात इसलिए मान ली थी कि हाँ ठीक है हम घर से अच्छी बोली लाए, यहाँ के ऐसे ऐसे कैसे होगी इसकी बताओ। गाड़ी कितनी तरी है, कितनी तरी गाड़ी जिस, और मैं आपसे थोड़ी नहीं चला ना, जिसने करी उसे बुलाओ ना फिर। वीडियो बनाने से बात चल जाएगी। हाँ वीडियो बनाने से बात ही चलेगी यार। हैं इधर 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 अरे तेरी भयंकर, रुक जाइयो जरा। मैनेजर कहाँ तेरा, मैनेजर कहाँ, मैनेजर मैनेजर कहाँ, मैनेजर
भाई मैनेजर कहाँ आपका? आपका मैनेजर? मैनेजर ऊपर है, बताइए। हैं? नहीं आप मुझे मैनेजर से बात करो, मुझे मैनेजर से बात करना। आप मैनेजर से बात करोगे मेरी? आप कैमरा नहीं छीन सकते, आप कैमरा नहीं छीन सकते। आप नीचे करिए ना इसको। आपने मेरी वीडियो बनाई, मैंने आपको परमिशन दी। आपका वर्कर मेरे से कैसे बात? आपका वर्कर किस वर्कर? कौन सा वर्कर? क्या बात की आप ये ट्रीट कैसे कर रहे हैं बताओ? आप मुझे बताइए बात क्या हुई है? जो कंप्लेंट को बताइए ना, काम तो आप मेरी बात जैसे काम हो जाएगा। मेहनती चल रहा भाई का वारंटी भाई आता वीडियो बनाता जैसे गाड़ी मैन करी हो, ठीक है। हाथों का देखता मैं मर जाऊंगा, बताओ मैं मर ही जाता जब हाथ से निकल ले रहा हूं। सुनो मेरी बात, अगर ऐसे ही काम करवाना है आपको तो ऐसे करवा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन चीज ये है, आपसे पहली गलती है ये, मेरी बिना इजाजत से मेरी वीडियो आपके फोन में कैसे गई? मैंने आपको परमिशन दी, किसी भी व्यक्ति की वीडियो बनाना उसकी बिना इजाजत के लिए इलीगल है। मैं चाहूँ तो आपके ऊपर केस कर सकता हूँ, पहली बात, ठीक है। लेकिन इतना मेरे पर टाइम नहीं है केस करने का, लेकिन ये बात छोटी सी है तो छोटी सी बात पे ही खत्म कर दो। नहीं पहले मेरे पास बाइक वो लगी हुई है अपनी बाइक, अब दोबारा से देख रहे हैं, एक बार चेकअप कर लेते हैं उसका। आगे वाले ब्रेक की वजह से बहुत ज़्यादा लफड़ा हो गया आज। तो फाइनली गाइज ये वीडियो मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, कम से कम इस वीडियो को मैं एडिट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। कम से कम 8 से 10 दिन हो चुके हैं वीडियो बनाए हुए, और ये वीडियो मेरा अपलोड करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन बाइक का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। वो बाइक इतनी बेकार हो गई है, ना चलाने लायक है और ना उस पर अगर बैठ कर कहीं 10-15 किलोमीटर चले जाओ तो इतनी बुरी तरीके से आवाज़ करती है। आगे वाली डिश उसकी इतनी ज़्यादा ओवरहीट हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे जलने को आ रही हो, ऑमलेट बना लोगे आप उसके ऊपर। और जब ये, मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, ये जब इस जगह पर, हाँ ये इस जगह पर जब मेरी लड़ाई हुई थी, यहाँ पर इस जगह पर, तब ये लड़ाई के टाइम पे ही ऐसे ऐसे बोल रहे थे, क्या कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चढ़ रहे थे। और उसके बाद जब लड़ाई, क्या कहते हैं, हो गई मेरी, इन्हें देख लिया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इतने ज़्यादा प्यार से बोलने लगे ये मेरे से। अभी देखो, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। अरे इस साइड पर ये देखो, यहाँ पे फिर इनने वहाँ से तो बिल्कुल, क्या कहते हैं, ऐसे नॉर्मल कर दिया। लेकिन आप मुझे ये बात बताओ कि वो जो ब्रेक कैलिपर है, मतलब क्या कहते हैं, जो मास्टर सिलेंडर होता है, वो मैं घर से सही लेके गया, फिर वहाँ जाके ख़राब कैसे हो गया? और ख़राब हो गया, चलो मैंने मान लिया। तो जो चीज़ है, अब मैं आपको बताऊँ मैं क्यों उन पर गुस्सा हुआ था। इसलिए हुआ था कि ये मैंने, क्या कहते हैं, मेन रोड पर जा रहा था, मैंने देखा कि बाइक में कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम रह गई आगे डिस्प्ले में। अब बाइक वहीं से आवाज़ कर रही थी, प्ले थी नहीं उसके अंदर। मैंने वहाँ से यू टर्न करते ही अगला टायर जाम हुआ, बाइक गई रपट, सामने से ट्रक आ रहा था। उस टाइम पे अगर एक्सीडेंट हो जाता तो ये तो हाथ खड़े कर देते थे कि मैंने कुछ नहीं करा था। तो गाइज ये वीडियो इतनी ज़्यादा शेयर करो कि इन न्यू GS वालों को पता चल जाए कि इनने किससे पंगा लिया था। और ये एक सेकेंड रुक जाओ जरा, ये एक बंदा था, ये बंदा कुछ ज़्यादा ही ऐठम बात कर रहा था। तो देख लो गाइस, इतना शेयर करना इस वीडियो को कि इन लोगों को पता चल जाए कि कौन था, क्यों था और किस लिए था। मैं ये वीडियो डालने कोई मैटर नहीं था मेरा, लेकिन अब डालूंगा मैं ये वीडियो, पक्का डालूंगा। और न्यू GS वालों देख रहे हो ना, आओ जो तुमसे हो वो कर लेना मेरा आके, तुम एक बार आओ अब जो हो तुमसे वो करना मेरा आके। तुमने कहा परेशान कर लिया है उस दिन, वो क्या कहते हैं, वो 4 दिन बाद क्या कहते हैं, मेरे पास फ़ोन आता है ऊपर से, किसी लड़की का आता है, यानी कि मतलब शोरूम वोरूम से ही, तो बोलती है कि सर आप रेटिंग कितना करना चाहोगे। मैंने बोले कि मैम मेरी ऐसे ऐसे बात हुई और क्या कहते हैं बाइक में प्रॉब्लम है, तो ये बोले कि मैम सर आपकी गलती है, आप क्या कहते हैं दिखाए हो, मतलब वो आप क्या कहते हैं बाइक लेके चले जाओ तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे। अच्छा, मतलब मैं इतना बुद्धिमान इंसान हूँ,
मैं पहले वहां से बाइक बिगड़वा के लाऊं यहां घर पे, फिर यहां से फिर सुधरवाने जाऊं वहां पे। पागल दिख रहा हूं, यहां से दिमाग नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। तो गाइस इस वीडियो को शेयर कर देना सबसे ज्यादा से ज्यादा, अगर मेरे चैनल पे जितनी भी ऑडियंस है ना, जितनी भी रियल ऑडियंस है, सारी की सारी वीडियो शेयर कर दो। विजयनगर वालों, ये जो न्यू जीएस वाले हैं, इन्हें पता चल जाना चाहिए कि किससे क्या बोल दिया इन्होंने, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बाय।